नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं आपके साथ दिवाकर पांडे। यूपी में फूलन देवी के बहाने राजनीति में अपना कद दिखाने वाले मुकेश सहनी का अंदाज भाजपा को कुछ अजीब ही गुजरा। भाजपा निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने औपचारिक ऐलान भी किया है और इस ऐलान के साथ ही यूपी एनडीए से मुकेश सहनी की पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का तालमेल निषाद पार्टी के साथ फाइनल हो गया है, जिसके मुताबिक 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि निषाद पार्टी और भाजपा के बीच कितने सीटों के बंटवारे पर ये बात बनी है और इसे लेकर अभी तक भाजपा की तरफ से भी किसी तरह का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। जबकि हम आपको बता देते हैं कि संजय निषाद उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें मुकेश सहनी आते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि यूपी में लगभग निषाद पार्टी के लिए मल्लाह जाति के वोटरों की संख्या 170 सीटों पर सबसे अच्छी खासी मानी जाती है, जिसे लेकर पूर्वी और मध्य यूपी के जिलों में जीत निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि मुकेश सहनी यूपी में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और इस रणनीति के तहत वो फूलन देवी के मूर्तियों पर यूपी के विभिन्न जिलों में स्थापित करवाने की बात कर रहे थे। हालांकि उनकी इस रणनीति पर योगी प्रशासन ने पानी फेर दिया था, जिसके बाद से बनारस एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस लौटा दिया गया। इससे नाराज मुकेश सहनी ने बिहार लौटकर यूपी सरकार को बहुत ही कोसा था। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने यूपी में भाजपा से हिस्सेदारी नहीं मिलने पर अकेले 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। ऐसे में वह चुनाव लड़ सकते हैं। सहनी की तरफ से जदयू ने भी भाजपा से हिस्सेदारी नहीं मिलने पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी यूपी में अपने भाग्य को आजमाइश करने की बात कह रही है। हाल ही में मांझी के बेटे और सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के पिछले की असली वजह जो है यूपी में एनडीए में हिस्सेदारी मांगना है। हालांकि जदयू और हम पर भाजपा का रुख क्या होता है और किस तरह से उन्हें सीटें मिलती है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, आगे के अपडेट हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए अजय भारत।